हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने ये सारे मसाले लिए। नमक है, मिर्ची है, ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ है, आधा नींबू है, चाट मसाला और गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारे मसाले में 1 किलो चिकन लिया है मैंने, बोनलेस भी है, बिना हड्डी का भी है और हड्डी वाला भी है। ठीक है, ये सारे मसाले में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अच्छे से। जितने भी मैंने मसाले लिए हैं सभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और मसाले मैंने कितनी क्वांटिटी में लिए वो मैं आपको नीचे लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। फूड कलर मेरे को आराम से मार्केट में मिल जाता है, आप ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, 1 ही चम्मच के अनुसार ही डालना। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया है और 1 कटोरी दही डाला है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिला के मैगनेट कर दिया। इसको मैं आधा घंटे के लिए ढक्कन लगा के इसको ऐसे ही मैगनेट करने के लिए रख दूँगी। ठीक है, फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, गैस जला दी है। और मैंने ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज लिया है और टमाटर शिमला मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए हैं। और मैं इसको प्याज को फ्राई पैन में डाल के शैलो ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही ब्राउन करूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से कच्चा और पक्का दोनों ही रखना है, तो आप ये चीज़ देख के ही करना। फ्लेम अगर तेज़ रखेंगे तब भी चलेगा, हल्की फ्लेम पे आप ही इसको मत बनाइए, नहीं तो ये गल जाएगा। तो हमें गलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्रंची ही करना है। और शिमला मिर्च और टमाटर के आप बीज निकाल लीजिए, क्योंकि वो चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो हमें चिकन टिक्का बनाना है तो उसको इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो हमने शिमला मिर्च के बीज निकाल लिए, टमाटर के भी, इनको भी हमें शैलो ब्राउन करना है, रोस्ट जैसे करना है, तो आपको इस तरह से ही कर लेना है। ठीक है, और सिर्फ इसमें 3 ही वेजिटेबल्स इस्तेमाल होने वाली है, प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर, जिसका मैंने आपको बता दिए हैं बीज के बारे में, बीज नहीं डालने हैं। मैंने ये हल्का शैलो ब्राउन कर लिया है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैंने गलाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी हमें इसको कबाब की सीख में डाल के हमें इसको भूनना है। ठीक है, आग पर। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है आपको, कि इसको आपको ज़्यादा गलाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना मेरा वेजिटेबल्स बचा था उसके बाद मैंने ये सब डाल दिया है, इसको भी मैं हल्के से ब्राउन कर लूँगी। मैं इसलिए ये ऐसा कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट भी भून सकती हूँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट इस तरह से आने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली इस तरह से। वेजिटेबल्स डालने का मतलब ये है कि हम इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दुगना टेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा चिकन टिक्के के साथ में आपको वेजिटेबल्स भी लगा के देते हैं वो सीख कबाब के अंदर। तो हम लोग वैसे भी ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं लगाने हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। आप बिना वेजिटेबल्स के भी आप चिकन टिक्का बना सकते हैं। सिर्फ आप चिकन टिक्का जिस तरह से मैंने रोस्ट करके एक बर्तन में रख दिया था, डोंगे में ढक के, आधे घंटे के बाद मैंने इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के एक एक करके मैंने इसकी चिकन की बोटी एक एक तरीके से रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, सारी चीज़ें मैंने एक एक करके इसमें डालना स्टार्ट कर दिए फ्राई पैन में। अब ये अच्छे से रोस्ट होना स्टार्ट हो गया, जो मेरा मसाला था वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से चला जाएगा और अच्छे से ये पक भी जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको सीख में लगा के अगर हम भूनते हैं तो मसाला हमारा नीचे गिर जाता है, झड़ जाता है, जो कि अच्छे से बोटी में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम इस तरह से, अगर थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो टेस्ट इतना अच्छा आ जाएगा कि रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो सब इस तरह से ही बना के रखते हैं और लास्ट में वो चिकन टिक्का एकदम से सिलाई में डाल के भून भून के लोगों को देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी मेहनत बहुत ही कम लगती है। देखिए, मेरे चिकन सारे फ्राई हो चुके हैं और वेजिटेबल्स भी फ्राई हो चुके हैं, तो इस तरह से मैंने सीख के अंदर एक एक डालना शुरू कर दिया। पहले मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और फिर एक चिकन की बोटी, ठीक है, इस तरह से मैं पूरी सिलाई
तैयार कर लूँगी। और ये सारी सिलाई रेडी होने के बाद मैं एक साथ इसको गैस की तेज फ्लेम पर भूनूंगी। जो मैंने ये गैस पे जाली लगा रखी है इसी के ऊपर मैं इसको भूनूंगी। मैं कोई अंगीठी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, अगर आपके पास वो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको गैस के ऊपर ही भूनूंगी। उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, करारा हो जाएगा। देखिए मेरी सारी सिलाइयाँ बिल्कुल बनके रेडी हैं। अब मैं बारी बारी करके इसको भूनना शुरू कर दूंगी। एक एक सिलाई दो दो सिलाई करके मैं भून लूंगी और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कुरकुरा हो जाएगा कि खाने वाला तो कहेगा बहुत ही अच्छा बना है, बिना तारीफ़ करे आपकी रुकेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने जाली लगा ली है और इस तरह से मैं भून रही हूँ। आप बिना, अगर आपके पास जाली नहीं भी है तो आप आँच के ऊपर ऐसे भी भून सकते हैं। कोई इसके अंदर ये नहीं है कि आप अगर जाली है तभी आपको भूनना है, आप बिना जाली के भी इसको ऐसे भून सकते हैं, वही टेस्ट आएगा। ठीक है, मैं जाली पे इसलिए रख के भून रही हूँ क्योंकि मैं बाकी भी काम देख रही हूँ, तो मैंने इसके पर रख रख के थोड़ी थोड़ी देर के लिए घुमा रही हूँ। ठीक है, देखिए बनके कितना अच्छे से रेडी हो, कितना अच्छा कलर भी आ गया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको दही की चटनी के साथ, ग्रीन वाली जो चटनी होती है वो, उसके साथ में खाइए और खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये इस तरह से बनके रेडी हो जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, और आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूँगी आपको। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।